तो दोस्तों आज हम एक और वीडियो लेकर के, और इस बार जो है पे रिमोट कंट्रोल जीप और कार नहीं है, इस बार कुछ अलग यहाँ पे ट्रैक्टर लेकर के आए हैं, फार्मर ट्रैक्टर, और काफी बड़ी साइज के यहाँ पे ट्रैक्टर आपको देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात ये भी मेड इन इंडिया ट्रैक्टर आपको यहाँ पे रिमोट कंट्रोल है। तो आजकल जो है मुझे बहुत ही अच्छी लगती है कि यार ये सब सारे रिमोट कंट्रोल वाले टॉय जो चाइना से मंगाते थे ना, अब वो यहाँ पे सारी चीजें मेड इन इंडिया हो गई है। तो ये प्राउड वाली बात है कि इंडिया के अंदर अब ये सारे टॉय जो है बनने लगे हैं, नहीं तो पहले तो एक छोटी छोटी चीज भी प्लास्टिक के टॉय वो भी सारे चाइना से उठा के ले आते थे। वही सब चीजें इसको पहले अनबॉक्स करते हैं और उसके बाद जो है इसको देखते हैं कि हमें कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस हमें मिलने वाला है इस ट्रैक्टर को। इसके बाद इसका जो है हम टेस्टिंग भी करेंगे कि अलग अलग कंडीशन में कैसा यहाँ पे चलता है ये ट्रैक्टर जो है, जो कि ट्रैक्टर बिल्कुल रफ सरफेस के लिए बनाया गया होता है, जो ओरिजिनल ट्रैक्टर होता है खेत वेत में हर जगह यहाँ पे छिल जाती है, कितना भी मिट्टी विट्टी हो कीचड़ हो सब में ट्रैक्टर छिल जाती है। तो कीचड़ में तो नहीं, लेकिन हाँ आगे चल के हम इसको टेस्ट करेंगे कीचड़ के अंदर, कीचड़ में परफॉर्म करता है क्या। फिलहाल इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, बढ़िया पैकेजिंग यहाँ पे दी गई है, इसको हम यहाँ पे पहले खोल देते हैं। तो ये आपको चार्जिंग केबल मिल जाता है, जैसे मतलब कि ये ट्रैक्टर में जो आपको बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है, हाई वेट, और इसकी वेट की जो है ना काफी सॉलिड लग रही है। अभी तक मैंने जितनी भी रिमोट कंट्रोल की कार और जीप वगैरह जितने भी अनबॉक्स किए हैं ना, उसमें सबसे सॉलिड बिल्ड क्वालिटी इसकी लग रही है। मतलब बहुत ही अच्छा फील हो रहा है मेरे को तो यार, मेड इन इंडिया इतनी बढ़िया क्वालिटी की टॉय बनाया है इन्होंने ट्रैक्टर। और इसकी जो है यहाँ पे चार्जिंग केबल जो आप इसको चार्ज कर सकते हैं, और दूसरा यहाँ पे आपको रिमोट मिल जाता है। तो रिमोट कंट्रोल तो बेसिक वाली ही है, जो बाकी सब रिमोट कंट्रोल वाले जो कार्स और जीप वगैरह में आपने देखते हैं वैसी सिंपल स्ट्रक्चर वाली है। यहाँ पे दो बैटरी यहाँ पे इसके अंदर भी लगेगी, काफी हार्ड दे रखा है इसका बैक जो है, तो ओपन ही नहीं हो रहा था। तो बैटरी इसके अंदर लग गई है। अब हम यहाँ पे ट्रैक्टर को एक बार एक नजर देखते हैं, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। फ्रंट की यहाँ पे जो क्वालिटी है प्लास्टिक की काफी है, मैं सॉलिड दिख रही है, ग्रीन कलर की है, और ये साथ में थोड़ी सी हल्की ऑरेंज टाइप की जो कॉम्बिनेशन है। टॉप में आपको जिसका व्हाइट कवरिंग और ये इसके ऊपर जो है प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट ग्लास टाइप से दी गई है कवरिंग के लिए, तो काफी यहाँ पे बढ़िया यहाँ पे दिख रहा है ट्रैक्टर। और इसका पीछे वाला कितना बढ़िया, इतना स्मूथ ये चल रहा है, मतलब फील हो रही है कि यहाँ क्वालिटी जो है यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है प्राइसिंग के हिसाब से। आगे के भी जैसा ट्रैक्टर का होता है बिल्कुल, आगे की छोटी और पीछे की भी थोड़ी बड़ी, उसी टाइप से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर यहाँ पे बैटरी लगाने के लिए हमें अलग से कुछ भी नहीं है, बैटरी इसके अंदर इनबिल्ट ही है, तो जब तक इस बैटरी की चलेगी लाइफ तब तक आपका ये ट्रैक्टर जिंदा रहेगा। बस यहाँ से सीधा ऑन ऑफ का आपके पास ऑप्शन मिल जाती है, तो हमने इसको कर दिया ऑन, जब भी बैटरी खत्म हो जाए तो यहाँ से कर लेंगे चार्ज। तो आगे में इसकी लाइट्स है, जो कि रिमोट से जब हम इसको चला रहे हैं तभी इसकी लाइट्स यहाँ पे जल रही है, काफी बढ़िया इसके लाइटिंग है। और ये देखिए पीछे की जो व्हील्स है काफी सॉलिड चल रही है यहाँ पे। तब आइए इसका हम यहाँ पे टेस्ट करें।